हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी एफटीएस में बार बार पूछे गए प्रश्न। इस वीडियो में हम टॉप 20 प्रश्न कराने वाले हैं जो एसएससी एफटीएस बार बार जो क्वेश्चन पूछा है वही क्वेश्चन हमने इस वीडियो में ले रखा है। अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको एग्ज़ाम में इस वीडियो से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दे रखा है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? चारों ऑप्शन देखिए, उसके बाद बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में पुरी में रथ यात्रा आयोजित की जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? आप सभी लोग बताएंगे, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितनी थी? आप चारों ऑप्शन देखिए, उसके बाद बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 382 जनसंख्या घनत्व थी। कितनी? 382। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? आप लोग चारों ऑप्शन देखिए, उसके बाद बताइए लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह के विरुद्ध रजिस्टर किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं यानी RBC का जीवन काल कितना दिन का होता है? चारों ऑप्शन देखिए, उसके बाद बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, RBC का जीवन काल 120 दिन होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? सभी लोग बताएंगे, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल नीला और हरा रंग होते हैं। कौन सा? लाल नीला और हरा रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? चारों ऑप्शन देखिए, उसके बाद बताइए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति करता है। तो क्या होगा? राष्ट्रपति भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? चारों ऑप्शन देखिए, उसके बाद बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में हराया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजातियां भेदभाव नीति को क्या कहा जाता था?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रंगभेद कहा जाता था। दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजातियां की जो भेदभाव नीति को क्या कहा जाता था, रंगभेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है 49वीं समांतर रेखा द्वारा किन दो देशों को पृथक किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए और कनाडा के बीच जो है 49वीं समांतर रेखा देशों को पृथक करता है। कौन सा इस देश को, यूएसए और कनाडा को पृथक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेप्सिन में रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है एंजाइम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है नूर जहां का असली नाम क्या था। तो नूर जहां का असली नाम क्या था, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मेहरून निशा था। क्या था, मेहरून निशा नूर जहां का असली नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जो पोंगल त्यौहार है तमिलनाडु का सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पोंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इन शब्दों का श्रेय किसे प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस को यही कहे थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती सरोजनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिशिर कुमार घोष को अपना राजनीतिक गुरु कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। सभी साथी बताएंगे आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, घेघा रोग जो होता है आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी, अपकेंद्री बल के कारण जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम अलग हो जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अपकेंद्री बल। दोस्तों इस वीडियो में हमने टॉप 20 प्रश्न करा दिया है। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।